that my channel it's paying और आज मैं शुरू करने वाला हूँ अपनी गेम डेवलपमेंट जर्नी. एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक छोटे से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है जिसमें हम लोग एक जॉम्बी शूटर गेम बनाने वाले हैं गोडोट गेम इंजन के अंदर. हम यूनिटी भी यूज़ कर सकते हैं मगर हमने इसको ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए गोडोट गेम इंजन यूज़ किया जिनको गोडोट गेम इंजन के बारे में नहीं पता. तो एक बहुत ही छोटा और फ्री टू यूज़ इंजन है जो कि पूरा तरह से ओपन सोर्स है. इसमें कोई भी चीज़ पेड नहीं है, ये फुल ओपन सोर्स है और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है. डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आज के वीडियो में मैं जितने भी ऐसे चूज़ करने वाला हूँ सबकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और हाँ, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, ये एक डेवलॉग है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो चलो हम वापस आ गए अपने गोदोट पे. सबसे पहले एक न्यू 3D स्क्रीन बना लेते हैं. तो मैं यहाँ से अपने करेक्टर बनाने के लिए करेक्टर कंट्रोलर डालने वाला हूँ. उसके लिए हमें चाहिए किनेमेटिक बॉडी. तो आगे का प्रोसेस जो है वो मैं स्पीड अप कर डाल देते हैं ताकि हम उसको देख पाए. आपको वापस स्वागत है मेरे डेवलॉग में. और आज मैं अपने गेम को आगे वर्क करने वाला हूँ. जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी स्टार्टिंग से, वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो. अगर आप देख के भूल गए हो तो दोबारा देख लो, कुछ नहीं जाता. आप वीडियो को लाइक कर दो. मैंने अपने दोस्त के साथ कॉम्पिटिशन किया कि मैंने कौन ज़्यादा अच्छी गेम बनाएगा. एक ज़ॉम्बी शूटर गेम बनानी है हमने. टाइम स्पैन हमारे पास 1 मंथ का है. सर 2D ही बनाए, नो प्रॉब्लम. ऐसे आप गेम ज़्यादा अच्छी है और गेम की लिंक जैसे रेडी हो जाएगी गेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा. इच्छो.io की सिंपल लिंक होगी, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो. और मेरे इच्छो.io की प्रोफाइल से आप जाके देख सकते हो मुझे कब पता लग गया कि मैं कब डालूँ. गोडोट गेम इंजन के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ ES2 के साथ. मैं यूज कर रहा हूँ OpenGL 1.23 और मैं यूज कर रहा हूँ एक सिंपल स्क्रिप्ट फर्स्ट पर्सन करेक्टर कंट्रोलर की. मैंने आज बेसिकली क्या करना है कि अपने मैप में थोड़ी सी एडिटिंग करनी है. मैप को आगे मैंने बनाना है और साथ ही में मैंने अपने करेक्टर कंट्रोलर को टॉच भी देनी है. लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स. और मैं आपको स्क्रिप्ट भी दिखा देता हूँ कैसी है. बाय द वे मैंने यहाँ पे टॉम डाला और ग्रेव. तो स्क्रिप्ट के लिए पहले मैं अपने प्लेयर पे ले जाता हूँ. ये मेरा प्लेयर सिंपल सा. तो स्क्रिप्ट गाइस, ये इसकी स्क्रिप्ट है पूरी
जो कि मैंने जैसे जीडी स्क्रिप्ट में टाइप किया, कोड किया और गोडोट गेम इंजन के अंदर। तो इसके लिए मैंने जो ट्यूटोरियल लिखा है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बाकी सब लोग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस बेसिक टेक्स्ट कंट्रोलर में कैमरा मूवमेंट और फिगर आउट कर सकता था, मगर इतने दिमाग क्यों खर्चना जब ऑलरेडी मेड ट्यूटोरियल है। और चलो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।